घोषणा की थी, अब हम तीसरी घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती हो जाएगी। L1 और L2 में दोनों मिला के इसमें L1 के 15,000 वो अलग बात है, माइनस हो ये जो सेलेक्ट हो ये तो रहेगा ना, 64,000 कुल होगी ना, पहले 32 थी अब 30 और मिला रहे हैं, उसमें लेवल वन के जो अभी पास हो जाएंगे वो 15,000 जो भी फिगर है तो वो मतलब अलग निकल जाएंगे, बाकी का हम आगे एग्जाम लेंगे। लेंथ दो तरह लेंगे, एलिजिबल टेस्ट पहले की तरह, और एलिजिबल टेस्ट में भारत सरकार कहती है आप इनको भले परमानेंट कर सकते हो, एक बार एलिजिबल हो गया तो भले वो 2 साल 4 साल 5 साल कभी दे, वैलिडिटी आजीवन, वैलिडिटी आजीवन है उसकी, तो वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब रूट्स वगैरह बन जाएंगे, क्योंकि रूट्स बनाने पड़ेंगे नहीं इसको वापस, परंतु इसको अपन जाएंगे कि वो कराएं और बाद में फाइनल एग्जाम करवाएं विषय वाइज, जो विषय के होंगे लोग जो कैंडिडेट विषय वाइज करवाएंगे। नियमों में संशोधन कर अभी मई में, पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी मई के लिए कही थी, तो एक आध महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी, कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे, वो पूरा प्रोग्राम को दे दिया जाएगा, कानून भी कड़ा बना और कानून जो ला रहे हैं।